ध्यानम निर्विषम मन, मन का अर्थ है, ध्यान का अर्थ है वो मन जिसके पास कोई विषय नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। और हम कितना यत्न करते हैं कि हमारा मन उस विषय से वापस आए, लौट कर आए, किस तरह से उसे खींच कर लाना चाहते, और एकाग्रता सिद्ध नहीं होती हमारी, बिखरा हुआ मन हमारा। जैसे आप किसी पोखर में, झील में, जलाशय में, जहां जल का सरोवर है, उसमें कंकड़ी मारे शांत सरोवर में, तो कितनी ऊर्मियां, कितनी लहरें किनारे की ओर दौड़ती हैं, कितनी असंख्य। जैसे आप जाएं सागर में तो लहरें ही लहरें दिखाई दे रही हैं, जल में लहरें दिख रही हैं असंख्य, जितनी समुद्र में लहरें हैं उतनी हमारे मन में हैं, कामना वासना स्पृहा लालसा, अच्छे हो जाए, अच्छे हो जाए ना, अच्छे दिखें ये चिंता, अच्छे बने छोड़ो इस बात को, अच्छे दिखना चाहे अपने को, तो हम महान बने ना, महान नहीं, हम महान दिखें, श्रेष्ठ दिखें, हम अच्छे दिखें। आज हमने को अच्छा देखा नहीं किसी ने, ऊर्मियां कामनाएं स्पृहाएं लालसाएं अंतहीन, इनको नियंत्रित करने का नाम ही तो ध्यान है। ये चित्त की अवस्थाएं पांच बताई, जो क्षिप्त विक्षिप्त अवस्था है, जो मूढ़ अवस्था है, इसी में तो उलझे हैं। चौथी है एकाग्र अवस्था, जो हमें अर्जित करनी है, योग यतन प्राणायाम इन सब के द्वारा, श्रवण के द्वारा एकाग्रता, और अंतिम अवस्था है चित्त की निरुद्धावस्था, जिसमें समाधि प्रकट होती है। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम्, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब दृष्टा अपने स्वरूप में लौटता है तब वो शांत होता है, तब उसको वो स्थिति मिल जाती है, विश्व का वह ज्योतिषमति, ये महर्षि पतंजलि का सूत्र है, विश्व का वह ज्योतिषमति। जैसे ही आपको निरुद्धावस्था मिली, एकाग्रता से ऊपर उठकर निरुद्ध हुए, चित्त में अब कोई आकर्षण नहीं रहा, सांसारिक प्रवृत्तियों का अभाव हो गया, अब कोई विषय ही नहीं रहा, आप अकेले हैं, आप दृष्टा हो गए, और फिर समाधि घटित हो गई। उस समाधि का फल क्या है, हम कैसे जाने कि समाधि घटित हुई, विशोका वा ज्योतिषमति, इसका अर्थ है कि शोक रहित हो गया, भय रहित हो गया, द्वंद्व अब रहा नहीं, कोई कष्ट क्लेश रहा नहीं, अब कोई पीड़ा रही नहीं,